हेलो दोस्तों, अभी मैं एक छोटे से स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। बड़े वाले स्टॉक तो हम ऐसे भी नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये रहा वो स्टॉक जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, MMTC। देखिए इसका जो प्राइस है इंक्रीज होने वाला है, दमबर खरीदेगा, छोटा सा ही स्टॉक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? छोटा सा स्टॉक है, दमबर खरीदेगा, प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है दोस्तों? ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसका जो प्राइस इंक्रीज होने वाला था, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको कुछ बता देता हूँ दोस्तों। इसका फंडामेंटली स्टॉक दोस्तों बहुत ही पिटा हुआ, मतलब स्टॉक बहुत ही गिरा हुआ है, मतलब कहने का मतलब है ये स्टॉक ज़्यादातर चला नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये ज़्यादा चला नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि देखो ये स्टॉक क्यों नहीं चला है, क्योंकि थोड़ी बहुत ये जो कंपनी है फर्टिलाइजर सेक्टर में इंक्लूडेड है दोस्तों, जो किसानों की ज़रूरत होती है फसल में, जो छोटे छोटे जो कीड़े आ जाते हैं, या तो दो तरीके होते हैं, या कोई केमिकल वगैरह डालने से तो भाग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, ऐसी कंपनी को, मतलब केमिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट दे रही है, ठीक है? अगर दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट दे रही है तो ऐसी कंपनी भी बीच में आएगी, MMTC जैसी, ठीक है? MMTC जैसी भी कंपनी बीच में आएगी, और पहले से तो भाई ये गिरा हुआ कंपनी है, मारेगा धड़ाक से, जंप करके हम पकड़ नहीं पाएंगे धड़ाक से, ठीक है? तो ऐसी कंपनी में आपको देखना है। और मैं वीडियो तो दोस्तों बहुत लंबा करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो स्टॉक बहुत ज़्यादा पिटा हुआ भी है, 1 ईयर में भी, 1 ईयर में भी, और 4% देखिए 1 मंथ में भी नेगेटिव रिटर्न दिया, ठीक है दोस्तों? तो इतना काफ़ी है, मैं आपको बता दिया। और प्लीज़ देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजर और कोल में, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फर्टिलाइजर में, तो इसके वजह से जो है गवर्नमेंट ने इस कंपनी पर ध्यान दिया, तो आप ऐसे कंपनी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका पैसा है, कभी कभी आप भी बोलने लगते हो कि यार ये हो गया वो हो गया, तो प्लीज़ पैसा आपका क्यों। मैं आपको एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ यार, देखिए स्टॉक का जो मैं बता दिया, इसका प्राइस इंक्रीज होगा, जब इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, ठीक है? प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। और उसके बाद मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन कभी मुझसे गलती हो जाती है, गलती होने का मतलब मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं जो आपको बोला कि सारे स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे, तो हो सकता कि एक दो ऐसे भी स्टॉक है जिनका प्राइस ना बढ़े, हो सकता है और नेगेटिव में चले जाए। तो कुछ लोग बोलते हैं यार कि ये गलत है, ये है फ्रॉड है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा अपना भी ध्यान लगा लीजिए। मैं अगर 10 स्टॉक बोलता हूँ तो 10 में से हो सकता है 2-3 में तो भाई गिरावट आ सकती है, ठीक है? क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, और प्रॉफिट मिले तो जरूर, प्रॉफिट मिलेगा तो दोस्तों जरूर निकल जाएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।